अज़ुबिल्लाह में शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है। सो बिदक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप अपने आईफोन को कैसे चेक कर सकते हैं वो पीटीआई है कि नॉन पीटीआई अप्रूव है। ठीक है, तो ये वीडियो खाली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं ना, मोबाइल लेते हैं 2-3 महीने बाद सिम बंद हो जाती है, लोग बोलते हैं पीटीआई अप्रूव है, फिर बाद में इसका नॉन पीटीआई निकलता था। वो हम चेक करने का तरीका समझा रहा हूँ। अपने मोबाइल ले लिया, आपको पता नहीं है पीटीआई अप्रूव लेकिन सिम चल रही है, तो हम उसको चेक कैसे करें हमारे मोबाइल पीटीआई अप्रूव है या नॉन पीटीआई। बहुत आसान है। तो 2K इंस्टाग्राम फॉलोवर्स की गिवअवे में शामिल होना, तो अच्छा सा कमेंट करके इंस्टाग्राम को आईडी को फॉलो करके वहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज के सब्सक्राइबर बेल आइकन लाइक का, तो वहाँ पर हम कमेंट सेंड कर दो मेरे को इंस्टाग्राम पे, डन लिख दो, इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट नाम आपके उस पर ही होगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ऐप स्टोर पे जाना है, हमने लिखना है पीटीआई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ऐप स्टोर पे आके पीटीआई रजिस्ट्रेशन हमने डाउनलोड करना है। सिंपली ये मिल जाएगा, डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम से ही हमने इसको ऑन करना है। तो मैं डाउनलोड करके आपको कुछ ही मिनटों या घंटों के बाद मिलता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन ये अच्छी एप्लीकेशन जो है मैं समझा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है ना वेरिफिकेशन सिस्टम, तो हम मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। अच्छा जी मेरे भाई लोगों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, काफ़ी लोग हमें क्या करते हैं कि हमें नॉन पीटीआई फ़ोन पकड़ा देते हैं, फिर बोलते हैं 2 से 3 महीने बोलते हैं पीटीआई प्रूफ है, पर हम 2 से 3 महीने बाद उसकी सिम बंद हो जाती है तो हम वापस उसके पास लेके जाते हैं। बंदा बोलता है हमारी गारंटी नहीं है, हमने आपको पीटीआई प्रूफ दिखाया था। तो उसका मैं आपको फुल ट्रिक तरीका समझाऊंगा। तो माजरात, वीडियो में काफ़ी देर बाद फोन कर रहा हूँ, थोड़े इशू में था, टेक्निकल थोड़ा काम वगैरह कर रहा था इसी वजह से। ठीक है, हमने अब सबसे पहले IMEI नंबर ढूंढना है। तो IMEI नंबर कहाँ से मिलेगा, किसे मिलेगा, सब बताता हूँ। हमने सबसे पहले जाना है आईफोन एंड्रॉयड कोई भी सेटिंग हो उस पर जाने के बाद हमने सबसे पहले जाएंगे कि सर 11 आया नीचे आना, इसके बाद जनरल पर जाएंगे, जनरल के बाद अबाउट पर जाएंगे, अबाउट के इस तरफ IMEI नंबर लिखा हुआ होता है, ये लिखा हुआ IMEI नंबर। ठीक है, ये लिखा हुआ इतना बड़ा था, तो हमने यहाँ पे क्लिक करके उसको सिंपली कॉपी कर लेना है। ठीक है, नंबर कॉपी हो जाने के बाद तो हमने इस पीटीएफ प्रूफ वाली एप्लीकेशन पे जाना है। ठीक है, इसको ऑन करना है, यहाँ अपना IMEI नंबर पुट करना है। ठीक है, ये देखो आ गया, इसको हम पुट करेंगे, डन करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर स्कैन भी कर सकते हो IMEI नंबर। तो मैंने जैसे सर्च पे क्लिक करा, देखो यूआर डिवाइस या IMEI नंबर है, पीटीएफ प्रूफ रजिस्टर दिस IMEI एप्पल आईफोन 7 प्लस। तो ये देख सकते हो मेरा मॉडल भी लिखा हुआ रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ऐसी आप किसी भी IMEI नंबर से लेकर उसका मोबाइल चेक कर सकते हो, वो पीटीआई या नॉन पीटीआई। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, और ऐसी वीडियोस आते रहेंगे। जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।